हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो मेरे हाथ में स्फटिक की बॉल है। तो स्फटिक की बॉल किस किस काम आती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये है लगभग 1.5-2 किलो की बॉल है। तो ये भारी बॉल इसलिए ली गई है ताकि पूरे घर में इन्फ्लुएंस रहे। तो जो वाइट जो कलर होता है उसके अंदर समाहित होते हैं सारे कलर्स। तो बहुत लोग क्रिस्टल गेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर इंक्लूजन्स होती हैं, तो आप देख सकते हैं ये इंक्लूजन्स हैं। और जब आप इसे देखते रहते हैं एक टक देखते देखते आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस बनने लगती हैं। तो आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग को भी इस तरह से कर सकते हो। इसको आपने रखना है, एक टेबल पे रखना है और अपने जो है उसके ऊपर रखना है, आपने अपनी थर्ड आई के लेवल पे रखना है। और इस लेवल पे आप रखेंगे और इसको लगातार घूरते रहेंगे और ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक तरह से त्राटक की क्रिया है। तो इसका आप इसको देखने से आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट होगा। तो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए ये क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो है आप रोज़ करेंगे, और इससे आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगी। इससे आपकी फोरटेलिंग, जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या लोग जो साइकिक रीडर्स हैं या साइकिक रीडिंग करते हैं, तो ये जो क्रिस्टल बॉल है ये एमिट करती है पॉजिटिव एनर्जी। तो ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करेगी, उसको इंट्यूटिव बनाएगी उसको। और ये आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं तो उनका जो है इंट्यूटिव पावर, उनका लॉजिकल माइंड, उनकी रिटेंशन पावर, उनकी मेमोरी पावर, उनका फोकस, कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। तो ये बच्चों की स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और आपका मुंह हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी भी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए आप ये वाइट क्वार्ट्ज बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट शुड बी बिग, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1.5-2 किलो का होना चाहिए। और इसको ध्यान रखना है, इसको आपने रखना है अपने माथे के ठीक आगे। तो आपको बहुत सारी इंट्यूशंस भी होने लगेंगी और आप फोरटेलिंग भी करने लगेंगे। इसको रोज़ कम से कम 40 डेज आपने रोज़ लगभग 3-5 मिनट्स, शुरुआत में आपने 3-5 मिनट्स इसको गेज करना है। और चाहें तो आप धीरे 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 इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको सर में दर्द हो, क्योंकि आप एक हैबिट नहीं है। तो पहले आप इसको गेज करेंगे, फिर आंखें बंद करके इसकी इमेज को अपने थर्ड आई पे देखेंगे। तो ये आप 2-3 मिनट से शुरू करेंगे और 2-3 मिनट से करते करते अपने टाइमिंग को बढ़ाते रहेंगे। और जितनी देर करेंगे, 15-20 मिनट तक करेंगे, तो ये आपको थर्ड आई पे आपकी क्लियर वॉइंस, आपकी इंट्यूशन पावर, और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगें, आने वाले टाइम की चीज़ें आपको दिखने लगें। तो ये आप कर सकते हैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग। इट विल कैन बी गुड फन, ये बहुत मज़ा आएगा आपको करने में और लोगों के लिए भी। आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो उनको भी फ़ायदा पहुंचा होगा। तो जल्दी से अपनी लाइफ में एक क्रिस्टल बॉल ले आइए और इसको प्रैक्टिस करिए और फिर मेरे को बताइए कि आपने एक्सपेरिमेंट्स की आपको कैसा रहा। तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस क्रिस्टल बॉल, ऑन माई नंबर 9811142249। Thank you. Take care. Bye-bye.